गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ कनेक्ट। डियर व्यूअर्स, द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हार्ट अटैक इज इंक्रीजिंग इन इंडिया सिंस 2014। वी आर वेल अवेयर अबाउट इट। इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल डेथ्स अकरिंग फ्रॉम स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीजेस। दिस इज अ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अवेयर ऑफ ऑल द कार्डियक इश्यूज, symptoms, problems related to heart diseases, failures, and their diagnosis and prevention. So, to stay healthy and a happy life, not only for ourselves, but our younger and older generation as well. For this, we have today with us on our show, our much renowned consultant interventional cardiologist of JP Hospital, Dr. Trilochan Agarwala, who holds an MBBS degree and a DNB in general medicine and cardiology. He is also a former consultant associate at Apollo Hospitals, Kolkata. तो आइए हम सर से बातें करते हैं। सर, स्वागत है आपका इस शो पर। सर, आजकल खास जनता में काफ़ी सारी बातें आती हैं कि हम मेरे सीने में ये दर्द है, कल रात ये उठ गया, इस तरीके की बातें। तो क्या सर, सीने की हर दर्द को हम कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम बोल सकते हैं? जरूर। नमस्ते, मैं डॉक्टर त्रिलोचन अग्रवाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, जयप्रकाश हॉस्पिटल, राउरकेला। तो जैसे मैडम पूछ रहे हैं अभी कि कोई आके हमको बोले कि सीने में दर्द हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो क्या ऑल चेस्ट पेन कार्डियक है, या अगर है भी तो हम कैसे उसको पता करेंगे? तो सम ऑल टाइम्स चेस्ट पेन कार्डियक नहीं होता है, बट हमको क्या करना होता है, जब हमारे पेशेंट्स चेस्ट पेन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो हम उनको बारीकी से पूछते हैं कि ये चेस्ट पेन लाइक कैसा टाइप का है, वेदर ये हैवीनेस है या कंस्ट्रिक्टिंग है, या सीने का लेफ्ट साइड में है, या ये लेफ्ट हाथ में रेडिएट कर रहा है, या ये जबड़ा के जॉ के पास आ रहा है, या बैक साइड जा रहा है, एंड उसके साथ में ये चेस्ट पेन कितना टाइम तक रह रहा है। इफ इट इज लास्टिंग फॉर मोर देन 20 मिनट्स एटलीस्ट, एंड उसके साथ साथ अगर क्या होता है, कोई कोई पेशेंट ऑलरेडी अवेयर रहते हैं, कुछ सॉर्बिट्रेट वगैरह ले लेते हैं, एंड वो सॉर्बिट्रेट लेने के बाद में अगर मान लीजिए ये चेस्ट पेन रिलीव्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ चेस्ट पेन मे बी कार्डियक रिलेटेड। बट हाँ, उसके साथ साथ बहुत सारे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन भी होते हैं, हमको उसको भी रूल आउट कर लेना है पहले कार्डियक सोचने के पहले। अच्छा जी सर। सर अच्छा, और एक बात होती है कि हमें पता कैसे चले कि ये कार्डियक है कि नहीं? आपके पहले वाले आंसर ने तो काफ़ी सारा इसमें जवाब दिया ही है, पर फिर भी क्या कोई और एक्सेप्शनल केस है, कोई डाउटफुल केस है जहाँ पे? हाँ, समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स टिपिकल कार्डियक चेस्ट पेन का जो डिस्क्रिप्शन है वो लेके नहीं आते हैं। समटाइम्स कोई बोलते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन हो रहा है, या हमारा राइट साइड में पेन हो रहा है, या राइट हाथ में पेन हो रहा है, या पीछे तरफ पेन हो रहा है, या फिर एक नॉन स्पेसिफिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिसको दिल कहीं नहीं आ रहा है। हाँ, पर वो हो सकता, बट वो भी कार्डियक पेन हो सकता है। तो उसको भी हमको इग्नोर नहीं करके दैट पेन आल्सो शुड बी एड्रेस्ड। एंड कैसे एड्रेस करेंगे वो हम सोच सकते हैं बेस्ट ऑन द एज ऑफ द पेशेंट एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर दैट पेशेंट इज हैविंग। ओके, है ना, उस बेसिस पे हम सोच सकते हैं कि ये कार्डियक हो सकता है या नहीं हो सकता है। मान लो एक यंग पेशेंट आया, नॉन टिपिकल कार्डियक चेस्ट पेन बता रहा है, उसको कोई उसका रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि ये कार्डियक नहीं हो सकता है। बट मान लीजिए एक 50+ का पेशेंट आता है, उसका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, एंड उसका फैमिली हिस्ट्री का भी एक हार्ट का प्रॉब्लम है, देन वो टिपिकल कार्डियक पेन डिस्क्रिप्शन नहीं देने से भी हम सोच सकते हैं कि ये कार्डियक हो सकता है, कॉल कर सकते हैं। यस जी सर। ओके, अच्छा सर, हार्ट अटैक क्या चीज़ होती है? अगर हार्ट अटैक क्या होता है, जनरली इसको हम लोग कॉमन टर्म में हार्ट अटैक बोलते हैं, बट मेडिकल टर्म में इसको एक्यूट माइकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऑल ऑफ सडन अनसेट सिवियर चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट साइड में कंस्ट्रिक्टिव टाइप, भारीपन लगेगा, एंड एसोसिएटेड विथ उसको स्वेटिंग हो सकता है, और टोटली अनइजीनेस, या समटाइम्स वो बेहोश भी हो सकता है विद द हार्ट अटैक होने के बाद। एंड उस कंडीशन में क्या है कि हमारे हार्ट में जैसे लेफ्ट साइड में 2 नस होती है, राइट साइड में 1 नस होती है, तो हार्ट अटैक होता है कोई भी एक नस अगर
90% प्लस या फिर 100% बंद हो जाती है, जी तो हार्ट का जो मसल होता है उसका जी एक पार्ट, एक हिस्सा में ब्लड सर्कुलेशन ऑल ऑफ सडन स्टॉप हो जाता है जी सर, और उस एरिया का डैमेज होना शुरू हो जाता है सर, एंड उसके कारण पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। एंड व्हाई दिस हार्ट अटैक इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जब से चेस्ट पेन हुआ है, इमिडिएटली एक ईसीजी करके उसको कार्डियक हार्ट अटैक है कि नहीं ये डायग्नोसिस करना है, एंड विद इन 1 or 2 hours दैट पेशेंट शुड बी शिफ्टेड टू ए हॉस्पिटल वेयर कैथलैब फैसिलिटी इज देयर, क्योंकि हमको जो नस बंद हो गई है उसको इमिडिएटली रीओपन करना है टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज ऑफ कार्डियक मसल्स। अच्छा सर, जैसे हमने डिस्कस किया कि मोस्ट कॉमन एज ऑफ हार्ट अटैक तो वैसे 50 प्लस होते ही हैं, बट फिर भी क्या कोई चांसेस है कि 50 के बिलो में? पहले जैसे हम लोग पढ़े थे तो उस टाइम पे हमको भी बोला गया था कि 50 प्लस 60 प्लस में हार्ट अटैक होता है, बट नाउ डेज इन आवर प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं कि ये 30 में भी आ गया है। इन माई प्रैक्टिस मेरे 30 प्लस के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज आजकल का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हमारा आउटडोर एक्टिविटी कम गया है और इंडोर एक्टिविटी बढ़ गया है, तो नाउअडेज ऑल सेडेंटरी लाइफ चल रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, ओवरवेट हो रहा है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये या फिर स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, ये सब होने, खाने पीने से, फूड हैबिट्स के कारण, ये सब के कारण क्या हो रहा है ना कि कार्डियक डिजीजेस का जो इंसिडेंस है वो 30-40 में भी आ गया है अभी। ओके, एंड मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि 40 एंड 50 एज ग्रुप में मैक्सिमम हार्ट अटैक पेशेंट हम अभी देख रहे हैं। ओके सर, एक टर्मिनोलॉजी हम सुनते आए हैं सडन कार्डियक डेथ, ये क्या होता है सर? सडन कार्डियक डेथ क्या होता है कि मान लीजिए एक पेशेंट को अभी हम 1 hour पहले देखे हैं, ही और सी वॉज कम्प्लीटली फाइन, हमसे बात किया है, हमारे सामने बैठा है, सब कुछ किया है, एंड उसके बाद में विद इन 1 hour और उसको हम नहीं देख पा रहे या फिर ही और सी इज नो मोर, देन उसको बोलते हैं हम लोग सडन कार्डियक डेथ। विद इन 1 hour अगर उसका ऐसा कुछ इवेंट हुआ ताकि उसका लाइफ को मतलब खतरा रहा। अच्छा सर, इससे जुड़ी हुई एक और क्वेश्चन आती है हमारे दिमाग में कि क्या सडन कार्डियक डेथ यंग पीपल में ज़्यादा है इसकी रेशियो? यस, तो देखिए सडन कार्डियक डेथ, जैसे हमारा हार्ट में क्या होता है कि हार्ट में कार्डियक मसल इट्सेल्फ है, वाल्व है, देन उसके साथ में जो नसें हैं उसको जो हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, तो दिस सडन कार्डियक डेथ कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, लाइक अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर नसों में ब्लॉकेज हुआ तो हो सकता है, अगर मसल में कोई प्रॉब्लम हुआ, लाइक यंग पीपल में क्या होता है, एक हम लोग कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं जिसको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, तो ये क्या होता है फैमिली में रन करता है, तो इसमें क्या होता है जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व रहते हैं, जो खेलते रहते हैं, उसमें क्या होता है ऑल ऑफ सडन उनका मतलब कुछ भी आइदर सिंकोप हो सकता है, मतलब बेहोश हो सकते हैं, या उनका शॉर्ट शॉर्ट सब एरेथमिया होता है जिसको हम लोग VTVF बोलते हैं, फॉलोड बाय उनका लाइफ को खतरा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमको अगर मान लीजिए किसी का फैमिली हिस्ट्री में सडन कार्डियक डेथ है, तो उस फैमिली का सिबलिंग्स या उनके सन्स एंड डॉटर को इको करके वो दैट कार्डियोमायोपैथी शुड बी रूल्ड आउट, और सपोज कोई अगर ब्रदर एंड सिस्टर का सडन कार्डियक डेथ का हिस्ट्री है, देन द अनदर ब्रदर एंड सिस्टर शुड गेट ए इको डन एंड टू रूल आउट दिस हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी टू प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। और सर, सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला मैडम कि जैसे लेफ्ट साइड का सीवियर चेस्ट पेन होगा, एंड वो चेस्ट पेन क्या होगा, सीवियर कंस्ट्रिक्टिंग टाइप, पूरा जकड़ने जैसा होगा और भारीपन लगेगा, ऐसे लगेगा कि हमारे छाती के ऊपर में कोई 5 से 10 kilos का वजन रख दिया है, एंड वो लेफ्ट साइड में रेडिएट करेगा, बैक साइड में रेडिएट करता है, जॉ में आ सकता है, ये तो एक चेस्ट पेन हुआ। सेकेंड हो सकता है कि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, थर्ड हो सकता है उसको पल्पिटेशन, जी घबराना हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, या फिर उसको चक्कर आके बेहोश हो सकता है, वो गिर सकता है, तो ये सारा 5-6 सिम्टम्स मेनली हार्ट अटैक के साथ में एसोसिएटेड रहता है। और सर, इसे डायग्नोज भी करने का तरीका? तो इस कंडीशन में अगर कोई भी पेशेंट अगर चेस्ट पेन होता है, वेदर इट इज कार्डियक और नॉन कार्डियक,
मेरे तरफ से ये एडवाइस रहेगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल एक ईसीजी कर लेने से हम लोग कार्डियक चेस्ट पेन को अर्ली पिकअप कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, श्योर क्योंकि श्योर, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमको एक सिंपल ईसीजी में मिल इसी से जाएगा पता कि चल जाए। हार्ट अटैक हुआ है या नहीं बिल्कुल, हुआ है। तो कोई भी ऐसा तो सिम्टम आए तो यस, जरूर तो ईसीजी ऐसा करवाना। चेस्ट पेन होने से नियरेस्ट कोई भी हेल्थ सेंटर में जाके इमिडिएटली एक ईसीजी करे और आइदर ए फिजिशियन और इफ इट इज पॉसिबल टू ए कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके सलाह लें। श्योर सर, बिल्कुल सर। एक हार्ट अटैक टर्मिनोलॉजी है, एक कार्डियक अरेस्ट, तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग मेडिकल में सुनते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होता है जी और मतलब हमारे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि कैसे मतलब एक्सपायर्ड हुआ, कार्डियक अरेस्ट कैसे हुआ। तो जनरली क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है। ओके तो हार्ट अटैक क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर जो हमारा हार्ट में तीन नसें हैं जी सर, उसमें अगर ब्लॉकेज होता है तो हार्ट का जो मसल डैमेज होता है उसके उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। बट ओके कार्डियक अरेस्ट मीन्स, जैसे हम लोग को पता है कि हार्ट इज लाइक ए पंपिंग, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग मशीन सो इट्स एक्ट्स ऑर्गन, लाइक ए यस पंप, है ना। राइट सर तो कोई भी डिजीज, जी सर आइदर वो गैस्ट्रो का हो, आइदर वो इन्फेक्शन हो, आइदर वो किडनी का हो जी या सर ब्रेन का हो, कोई भी डिजीज एक्सेप्ट कार्डियक रिलेटेड हो या नॉन कार्डियक रिलेटेड हो, अगर लास्ट स्टेज में कार्डियक पंपिंग कम हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है जी सर उसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ओके कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जी उसमें जो लास्ट स्टेज में हम लोग सीपीआर परफॉर्मेंस होता है, जो कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, वही करते जी हैं। सर बट हार्ट अटैक में क्या होता है, अगर एज अर्ली एज अगर हम उसको आर्टरी को ओपन कर देंगे दैट पर्सन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू बिफोर हार्ट अटैक, अगर हम लोग उसको 1 और 2 आवर्स के अंदर उसकी आर्टरी को रीओपन करते हैं। अच्छा, तो हार्ट अटैक तो हार्ट का अटैक एंड डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट एंड विद सर इन लिमिटेड टाइम। उसको लेट करके अगर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत हाँ सारे पेशेंट हम लोग का क्या है कि 12 घंटे के बाद में आए, एंजियोप्लास्टी हम कर दिए, तो एंजियोप्लास्टी क्या है, हम लोग जी आर्टरी को खोल दिए, जी बट जो मसल डैमेज हो गया है वो आर्टरी खोलने से भी मसल डैमेज और रिकवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जी उसके सर कारण क्या होता है, इन द लॉन्ग टर्म पेशेंट्स को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है या ओके सर फिर कोई भी सॉर्ट्स ऑफ अरेथमिया हो सकता है, उसका हार्ट रेट कम सकता है या फिर उसका हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में उसको लगातार प्रॉब्लम बना रहता है। तो जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को लेके स्वास्थ्य केंद्र पे, अपना यस हॉस्पिटल नियरेस्ट यस आना यस जरूरी है। यस सर, डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे हार्ट तो जैसे कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम्स अटैक का में? डायग्नोसिस, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि फर्स्ट ऑलवेज हम लोग को एक ईसीजी करना है। सर समटाइम्स क्या होता है कि ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है, सर स्टिल सामने वाले को हार्ट अटैक हो सकता है। तो ओके उस कंडीशन में क्या है, हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है एक कार्डियक मार्कर बोलते हैं। ओके तो सर उसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉफ टी एंड सीकेएमबी करते हैं, सीपीकेएमबी एंड और भी बहुत सारा है बट सर जो हम लोग प्रैक्टिकली अभी करते हैं वो है। तो ये क्या होता है, इसको भी रेज होने के लिए, पॉजिटिविटी आने के लिए एटलीस्ट 6 आवर्स लगता है। तो अगर हम बहुत ओके जल्दी कर लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है। तो ओके उस कंडीशन में क्या होता है कि ईसीजी नॉर्मल है, कार्डियक मार्कर नॉर्मल है और हम सर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे कि आपका हार्ट अटैक नहीं है बोल के, ओके देन हम लोग क्या करते हैं कि इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। सर तो इकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है, जो हार्ट का जो पंपिंग है तो उसमें जितना मूवमेंट होना चाहिए, कोई अगर पार्टिकुलर एरिया में मूवमेंट कम दिखाता है तो उसमें हम लोग पिकअप कर सकते हैं कि उसका कोई भी आर्टरी ब्लॉकेज होने का चांसेस है। ओके बट जैसे अगर मान लीजिए पेशेंट को टिपिकल कार्डियक चेस्ट पेन हो रहा है, जी ईसीजी में कोई चेंजेस रहे ना रहे, जी कार्डियक मार्कर ट्रॉफ्टी सीकेएमबी पॉजिटिव आए ना आए, जी इको में फाइंडिंग रहे ना रहे, जी बट अगर सपोज ये 50+ ईयर्स और उसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल है जी या और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, या उसका फैमिली हिस्ट्री का है हार्ट अटैक का, जी तो उस कंडीशन में कंफर्मेटरी टेस्ट होता है हमारा कैथ कोरोनरी एंजियोग्राफी। कैथ कोरोनरी एंजियोग्राफी मतलब आइदर हम हाथ से या पाँव से कैथेटर लेके जाते हैं और जो हार्ट की नसें हैं उसको डायरेक्टली हम एक डाई यूज करके उसको कैमरा के थ्रू से हम देखते हैं उसमें। तो वो ओके क्या है, वो 100% कन्फर्मेटरी है कि ब्लॉकेज है या नहीं है, अगर है तो उसी मोमेंट पे हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बातें हो गई कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो गए, डायग्नोसिस हो गए, प्रिवेंट कैसे कोई पेशेंट कोई भी प्रिवेंट इंसान कर प्रिवेंट सकता करने है? के लिए स्पेशली हमारा क्या होता है, कार्डियक डिजीजेस के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, एक जी होता सर है मॉडिफाइबल फैक्टर्स और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल जी फैक्टर्स। सर
उसका मतलब है कि मॉडिफाइबल हम जो अपने आप को कोशिश करेंगे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बट नॉन मॉडिफाइबल हमारे हाथ में नहीं है। तो नॉन मॉडिफाई क्या है? एज, जेंडर ऑफ द पेशेंट, रिलीजन ऑफ द पेशेंट, रेस ऑफ द पेशेंट, ये सब हमारे हाथ में, या जेनेटिक्स, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो जो होना है वो हो गई, बट द मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हमारे हाथ में है, लाइक अगर पेशेंट को किसी को इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, या हाई ब्लड शुगर है, या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या उसको ओवरवेट है, या वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लीप डिस्टर्बेंसेस कुछ है, तो ये सारा फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल में लाते हैं तो हो सकता है कि उसका हार्ट अटैक को हम प्रिवेंट कर पाएँ, या फिर हम उसका ड्यूरेशन मतलब जो 40-50 में आना चाहिए उसको हम हो सकता है कि और थोड़ा लेंथ मतलब आगे बढ़ा सकते हैं कि ना हो बोल के। ओके, तो सर इन सब बातों पे ध्यान दिया जाए तो कोई भी एक हार्ट अटैक से तो बच ही जाए, कोई पेशेंट ना बने। सर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, कि हाउ इज द लाइफ ऑफ अ पेशेंट आफ्टर हार्ट अटैक? हार्ट अटैक तो हो जाता है। यस, तो ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको भी कवर किया है क्वेश्चन को। तो जनरली क्या होता है कि सबको ही पूछते हैं कि मेरा हार्ट अटैक हो गया, अब पता नहीं मेरा फ्यूचर में क्या रहेगा, वेदर मैं फ्यूचर प्लानिंग कर पाऊंगा या नहीं, मेरा करियर कैसा रहेगा, ये सब कुछ। बट जैसे मैंने बताया कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट अटैक। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास विद इन 1 or 2 hours में पहुंच जाता है, और अगर हम उसको डायग्नोसिस कर देते हैं कि दिस इज हार्ट अटैक, एंड उसमें कैथ लैब में ले जाके अगर हम उसका एंजियोग्राफी करके उसके आर्टरी को रीओपन कर देते हैं विद इन 1 to 2 hours, देन उसका मसल, जो कार्डियक मसल रहता है, उसका डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड इन द फ्यूचर उसका लाइफ ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू द बिफोर हार्ट अटैक, बिफोर हार्ट अटैक। बट मान लीजिए कोई पेशेंट अगर हमारे पास में 6 to 12 hours के बाद आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाँ उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो बोल करके हम उसका डिपेंडिंग अपन द क्लिनिकल कंडीशन हम डिसाइड करते हैं कि वेदर एंजियोग्राफी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट क्या होता है कि उसमें रिजल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है, क्योंकि जो कार्डियक मसल डैमेज होना चाहिए वो हो गया रहता है डिले से आए। तो इसीलिए मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि इफ चेस्ट पेन होता है तो एक ECG इमीडिएटली करना है, एंड उसके बाद में जो भी लोकल फिजिशियन हो उससे कॉन्टेक्ट करें, एंड इफ इट इज कार्डियक देन नीड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली कि वो आर्टरी जितना जल्दी हो सके ओपन हो जाए, ओपन करा दिया जाए। ओके, थैंक यू सो मच सर इतने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सभी के लिए, और कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, ज़रूर क्लियर करें। किसी प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जैसे सर ने राय दिया, मशवरा दिया, ज़रूर अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर, स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर या अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में, जयप्रकाश अस्पताल में आइए और तुरंत उसकी जांच करवाइए। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। नमस्ते, नमस्ते।